नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर है चलती हुई ट्रेन में फंसे युवक को लेकर। चलती ट्रेन के बीच एक युवक 20 सेकंड तक फंसा रहा। पिता के सामने वह प्लेटफॉर्म से गिर गया तो उनके भी होश उड़ गए। इसी दौरान RPF कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और लोगों को चेन पुलिंग का इशारा किया। ट्रेन रुकने पर जब उसे निकाला गया तो खरोंच तक नहीं आई थी। घटना बुधवार सुबह 7 बजे दौसा रेलवे स्टेशन की है। दरअसल दौसा रेलवे स्टेशन पर अंश आनंद उम्र 20 वर्ष अपने घर से कोचिंग जाने को जयपुर के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान वह स्टेशन के अमृतसर एक्सप्रेस में सवार होने आगे बढ़ रहा था कि पैर फिसलने से उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में नीचे गिर गया। पिता भूपेंद्र बेटे को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। अचानक हुई इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। युवक के पिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर RPF कांस्टेबल सुभाष वहां पहुंचा और लोगों को चेन पुलिंग का इशारा किया। कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकी तो अंश को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि नीचे गिरने के तुरंत बाद उसने अपने आप को संभाल लिया था। ऐसे में बड़ा हादसा होते टल गया। अंश आनंद के पिता भूपेंद्र ने बताया कि बेटे ने जयपुर की एक कॉलेज में BCA का एडमिशन लिया था। बुधवार को फीस जमा कराने जाना था, मैंने मना किया था। इसके बाद वह जयपुर जाने की जिद करने लगा। बैठने लगा तो थोड़ी सी ट्रेन चल गई और वो हाथ से छूट गया, गिर गया उसने। वो आगे पुलिस वाले निकाल दिया उन्होंने। क्या हो गया, बाकी भगवान का शुक्र है।